विष्णु महापुराण एवं श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज मचकुंड धाम में श्री श्री 1008 पागल बाबा जी के सानिध्य में चल रही विष्णु महापुराण यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का महाविशाल भंडारा आयोजित हुआ। विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारा प्रसादी ग्रहण की तथा पागल बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान इस विशाल व्यवस्था को संभालने वाले पागल बाबा के श्रद्धालु भक्तजन बड़ी लगन के साथ कार्य में जुटे हुए देखे गए। बाबा जी का कोई मतलब नहीं सही है कि नहीं, तो बलवेश्वरी हमसे के आगे उनके कह रहे हैं कि हमने आप पैसा लेना बंद कर दिया, क्यों कि पंडित जी हमारा काम पूरा हो गया है, पागल बाबा की हमें पैसे की अब कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल बच्चों के प्रेम की और सेवा व्यवस्था की जरूरत है भगवान के लिए, हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे की। ये इसने इसने जो देखा है जीवन में, गरीबी की भी कह रहे थे तेरे पंडित जी यहाँ पर कि गरीबी का क्या होता है, तो गरीबी हमने भी देखी है बेटा, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय गर्म की रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए, तो वो नातेदार आता था तो गेहूं की रोटी बनती थी, तो ऐसे देखते थे भैया देखते थे आते एक रोटी गेहूं की मिल जाएगी हमको, तो हम जो है बाजरा की रोटी तीन खा लेंगे मिलाई के बाद गेहूं की रोटी सब्जी बन जाती और बस हम बाजरा से रोटी कर बड़बड़े बैल से और तब पेट भरते, तो छोटे बच्चे रोते भी है दूध दही के लिए रोते हैं, तो उस समय अपनी स्थिति में दूध नहीं था तो बाजरा का आटा सफेद होता है ना, उस आटे का दूध बना करके ऐसे मांगते कम दूध पिए, इसको कहते हैं गरीबी। और आज हम पर सब लोगों की कृपा है, हम पहले भट्टा पर भी रहते थे, भट्टे पर गदा के ईंट ढोते थे, तो हम गदन के पीछे पीछे फिरते थे ईंट लगवाते थे, तो गरीबी हमने देखी है, इसलिए हमने अपना जीवन गरीबी को लिए और भक्तों के लिए न्योछावर किया संसार का। हमारे पंडित जी कह रहे थे बाबा जी को क्या मतलब है, कैसे पैसे लक्ष्मी से, ये लक्ष्मी नहीं होगी तो जैसे 500 गुट लगे को भरेगा, जैसे 300 गुट मन का तुम्हारा जो भंडारा है ये इन्हीं के स्वरूप से भर रहा है, मलरिया एक सेकंड में बच जाते हैं फैमिली भर रही है, तो मैं तो आज के कह रहा हूँ सब बच्चन से कि पैसे की तरफ मेरी तरफ दृष्टि मत करना, मेरा पेट पूरा हो चुका है, मेरा भगवान का जो कार्य है वो भी पूरा हो चुका है, जो भगवान की जो व्यवस्था है वो भी पूरी हो गई है पैसे की तरफ से, सारी व्यवस्था राय गए यहाँ पर, एक बच्चा कह रहा को महाराज जी दीदी जी ने ले रहे हैं दस बजे, अब आप उन पर को कह रहे हो हमने जो कह दिया कि सवेरे 10 बजे से घी चले और रात के 10 बजे मार भोजन प्रसादी घी बूरा और सब्जी पूरी हमारे बच्चों के लिए है, तो मैं कि तू क्यों जलन कर रहा है, मैं इसको छाती को देखकर जरूरी ले जाऊँ तीन पड़ी नगर घी की, तो संत समाज के लिए और भक्तों के लिए आज घी का भी आया है, हमारा कहने का मत है पंडित जी हमारी तुम्हारी हमें पता नहीं जिगे के नाम है जिगे या माया से वैसे कोई नहीं दिखा है, तो आप हम तो गैर का कारण रही आप अपना कर्म करते हैं पर हम पर जरूर कृपा है सब बच्चों की, तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जीवन में क्या कोई पैसे के लिए मैंने करें, चाहे सुसर मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो जीवन में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दो नंबर के में लगे बिना पता भगा का होगा, तो हम भैया हम एक नंबर पे आए तो दो नंबर से क्या संबंध है, तो हमारा कहने का मत है जिस पर कृपा राम की हुई और बाबा कृपा कैसे हो, तो हम पर राम जी की कृपा है और आप लोग अगर मान लेंगे राम जी की कृपा तो हम तुमको किसी को भी संसार में कोई नहीं झेल सकता, हम सदा पूर्ण रहेंगे, राम जी हमारे साथ में
तो हम सदा पूर्ण रहेंगे, हमारी तमन्ना की पूर्ति भगवान करेंगे। तुम्हारी तो छोटी सी तमन्ना, भिखारी की तमन्ना ज्यादा होती है। भिखारी कभी जीतता नहीं है। तो एक बार हमने देखा अनुभव में, छोटी सी अवस्था में ही तीन चार मैया बैठी थी कहीं गेट के सामने पंडित जी, और हम छोटे से रहे तो हमें खटिया सी कहीं बैठे थे, तो एक भाई आ रही थी जो गाना सुनाती है गांव में, वो भी डोली डाल के, तो यही टेम्परेचर हो रहा था जो हमारा, जो हमें इस समय मस्ती लेते हैं वो टेम्परेचर गर्मी का। तो वो भाई एक खंभे से आकर द्वार पर खड़ी थी और भजन सुना रही थी, तो हम तो पढ़े लिखे नहीं तो समझते थे, बच्चा आए तो हंस रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि जो भाई दोपहर में ऐसे घूम रही है तो भगवान इसकी व्यवस्था को जल्दी अच्छी करे, जिससे जो है ये भी आनंद में रहे जैसे सब आनंद में है। तो भाई चार पांच दो कहीं का कह रही है, हमसे आवाज दे रही थी कि ए ब्राह्मण, मैयों की भाषा पूरी बड़ी की ऐसी होती है। तो वो कह रही थी कि वह कोहरे में धरा है गेहूं का बोरा और मुट्ठी तो खोल के ना कह रही है, कह रही है कि एक मुट्ठी बांध के, कि भाई एक मुट्ठी देऊंगा, जो गाने वाली थी। परशुराम शोभा यात्रा शमति मरैना की हुई बैठक, 22 को निकलेगी शोभा यात्रा, मरैना की प्रमुख खबर। भगवान परशुराम शोभा यात्रा शमति मरैना के सदस्यों ने आज मरैना में बैठक कर परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकलने वाली शोभा यात्रा के बारे में चर्चा की। सभी समिति सदस्यों में मंत्रणा के बाद 22 मई को शोभा यात्रा निकलना सुनिश्चित किया गया। शोभा यात्रा का मार्ग गत वर्ष की तरह हनुमान मंदिर इंद्रावली मोड़ मरैना से परशुराम मंदिर हनुमानपुरा तक रहेगा। मरैना से बीबीएन ब्यूरो के लिए सत्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, बाड़ी की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ राजस्थान प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति एवं राजस्थान प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सुरेश प्रजापति ने सतीश चंद्र प्रजापति बाड़ी को राजस्थान का प्रदेश संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। सतीश प्रजापति बाड़ी को राष्ट्रीय प्रजापति राजस्थान प्रदेश का संयुक्त सचिव बनाने पर धौलपुर जिला अध्यक्ष ज्ञासी राम प्रजापति, संरक्षक दान सिंह प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम चंद प्रजापति, कमल सिंह प्रजापति, नगर अध्यक्ष संतोष प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष राम निवास प्रजापति, हरिभजन लाल प्रजापति, केदार प्रजापति, प्यारे लाल प्रजापति, कन्हैया लाल प्रजापति, ज्ञानचंद प्रजापति, कुमार पाल प्रजापति, कमलेश प्रजापति, शिवचरण लाल प्रजापति, अमर सिंह प्रजापति, राकेश प्रजापति आदि हर्ष व्यक्त कर बधाई दी है। धौलपुर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा पक्षियों को जल पात्र एवं पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत, धौलपुर की प्रमुख खबर। हर वर्ष के भांति भीषण गर्मी में बेजवान पशु पक्षियों एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेजवान जल पात्र एवं पर्यावरण बचाओ अभियान इस वर्ष भी हुआ। बेजवानों के लिए जल उपलब्ध हो इसके लिए आज रविवार को इस अभियान की शुरुआत की। भाजपा के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पाराशर एवं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल के नेतृत्व में टीम के सभी मेंबरों के साथ परिंडे, पानी की टंकी एवं पेड़ लगाए। आज हल्ला बोल जन सरोकार मंच के मेंबर राम सेवक राठौर को माला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भाजपा के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पाराशर ने इस अवसर पर कहा कि हल्ला बोल जन सरोकार मंच जो हमेशा मानव सेवा और जानवरों की सेवा के लिए अग्रणी है, अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन या खुशी के अवसर पर इस अभियान से जुड़कर बेजवानों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, इससे बड़ा मानव धर्म कोई नहीं है। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल ने कहा कि हम सबको आगे आकर बेजवानों और पर्यावरण के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए, और अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इस अभियान से जुड़कर हर संभव मदद करूंगा। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि पक्षियों के लिए परिंडे और पानी की टंकी की शुरुआत की है और यह अभियान लगातार चलेगा। इस अवसर पर टीम के मेंबर प्रमोद पचौरी, भूदेव शर्मा, सुनील जगरिया, अशोक सिकरवार, हेमंत दुबे, साहब सिंह, राजकुमार, वीरेंद्र यादव, संतोष शर्मा, दुष्यंत शर्मा, बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। आज मैं हल्ला बोल टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने पक्षियों के लिए पानी के परिंडों का अभियान शुरू किया है और उसके साथ
जानवरों के लिए पानी की टंकी भी रखी है और पेड़ भी लगाए हैं। जो छावनी में विचित्र हनुमान जी से यह अभियान शुरुआत हुई है और ये पूरी गर्मी चलेगा। और अल्ला वर्ल्ड टीम ने यह अपील भी की है कि जो भी व्यक्ति जिसका जन्मदिन हो या कोई भी प्रोग्राम हो वो पानी के परिंडे जरूर लगाए। मैं अल्ला वर्ल्ड की पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने आज पक्षियों को और जानवरों को ध्यान रखते हुए अभियान की शुरुआत की है। धन्यवाद पूरी टीम। मैं भी कहूँगा, मैं भी इस टीम में, मैं भी इस अभियान में इनके संग निरंतर रहूँगा और सबसे अपील करूँगा कि वो भी पक्षियों का ख्याल रखते हुए परिंदे लगाएं और अल्ला वर्ल्ड टीम का संग दें। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने भीषण गर्मी में बेजवानों के लिए जलपात्र अभियान की शुरुआत की है और पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर पेड़ बेजवान पक्षियों के लिए परिंडे वगैरह लगाते हैं। आज रामसेवक राठौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ परिंडे और एक पानी की टंकी बेजवानों के लिए रखी है, पेड़ भी हम लगा रहे हैं। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह वगैरह ऐसे खुशी के उत्सव के मौके पर इस भीषण गर्मी में बेजवानों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जय राजाखेड़ा के गांव टीकतपुरा में हाई टेंशन लाइन से लगी भीषण आग, खेतों में रखा भूसा जलकर राख। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा उपखंड के चीलपुरा पंचायत के गांव टीकतपुरा में बढ़ती गर्मी की तपिश और हाई टेंशन लाइन से भीषण आग लग गई। आग बाहर से गांव के अंदर की ओर फैलने लगी। बढ़ती आग को देख ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर धौलपुर कार्यालय में सूचना की, जिस पर 3 फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंची। लगभग 3 घंटे कड़ी मशक्कत करने पर आग पर काबू पाया गया, जिसमें राजाखेड़ा से भी 1 फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंची और चारों फायर ब्रिगेडों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें से आग बुझाते समय एक फायर ब्रिगेड गाड़ी मुड़ते हुए पलट गई, जिससे आग बुझाने वाले कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। हाई टेंशन लाइन की वजह से आग लगने के कारण किसानों का हजारों का नुकसान हो गया। राजाखेड़ा फायर ब्रिगेड चालक बच्चन सिंह, फायरकर्मी वीरेंद्र सिंह त्यागी, कुलदीप सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। करमपुरा क्षेत्र में गंदगी और सड़क पर पानी खराब से परेशान नागरिकों का प्रदर्शन, बाढ़ी की प्रमुख खबर। वार्ड नंबर 1 के नाले अवरुद्ध हैं और गंदा पानी सड़क पर भरने से लोग परेशान हो रहे हैं। करीब 3 महीने से वार्ड नंबर 1 की करमपुरा बस्ती में ना तो साफ सफाई हुई है और ना ही पानी निकासी की समस्या पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में वार्ड 1 के मुख्य मंदिर और आसपास के क्षेत्र सहित मुख्य रास्ते पर पानी भराव हो गया है, जिसमें से होकर नागरिक निकलने पर मजबूर हैं। इसको लेकर रविवार को वार्ड 1 के दर्जनों नागरिकों ने बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा ने बताया कि वार्ड 1 के मोहल्ला करमपुरा में आम रास्ते में पानी खराब हो गया है। ऐसे में गंदे पानी में से होकर लोगों को निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्य मंदिर के आसपास भी इसी प्रकार के हालात हैं। वार्ड के नागरिक कई बार नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा से शिकायत कर चुके हैं। वार्ड पार्षद को भी लिखित में शिकायत दी है और पालिका अध्यक्ष एवं वाइस चेयरमैन तक को समस्या से अवगत कराया है, लेकिन कोई समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। हर बार नगर पालिका कार्यालय में शिकायत किए जाने पर भी एक ही बात सुनने को मिलती है कि बजट नहीं है। अब सफाई के लिए भी यदि बजट नहीं है तो अन्य व्यवस्था कैसे पूरी होगी। मोहल्ले के लोग परेशान हैं, गंदे पानी में से निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में आज विरोध प्रदर्शन किया और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड प्रशासन को अवगत कराया है। यदि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मोहल्ले के सुरेंद्र, दीपेश, दीपू, जितेंद्र, रामदुलारे, हिम्मतु, हितेश, राजकुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बाड़ी से वीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 1 मोहल्ला करमपुरा मंदिर के सामने और रास्ता में कीचड़ व पानी भरा हुआ है, घोटू घोटू, जिससे के रास्ता अवरुद्ध हो गया है और
हमारे जो का बुजुर्ग बच्चे औरत वगैरह सब परेशान होती हैं और रास्ता बहुत ही अवरुद्ध हो गया है, कोई निकलता नहीं है। और चेयरमैन से बार बार दो चार बार फोन कर चुके हैं और नगर पालिका को वो अधिकारी जो कहा थे सीताराम पंडित उससे भी अपना सूचना कर चुके हैं, जबकि हमारी को उनके कान पर जून आ रही है, कोई सुनवाई नहीं करता है। हम लोग परेशानी उठा रहे हैं सारे दिन और रात, निकलने को बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ग्रामवासी और जो कहते रास्ता की सब परेशान है, इसलिए हमारी जो कहते और मेहरबानी करके ये हमारी समस्या को आप समाधान करें। यहाँ पर पानी कितने दिन से भरा हुआ है लगा? ये पानी कम से कम भरा हुआ है 2-3 महीने से। नगर पालिका से वो मेहतर जो सफाई करते नाली वाली वो उन्होंने आए कम से कम 2 महीना से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीताराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धौलपुर राजस्थान। अवैध चंबल बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक गिरफ्तार, आंगई की प्रमुख खबर। आंगई थाना पुलिस में अवैध चंबल रेता से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक अभियुक्त भूरा सिंह मीणा निवासी खानपुर मीणा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। एएसपी एडीएफ बाड़ी कमल कुमार ने बताया कि अवैध चंबल बजरी परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के साथ नवीन कुमार एएसआई, ओम प्रकाश, लक्ष्मण सिंह एवं हरिओम कांस्टेबल शामिल रहे। अवैध खनन मामले में फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार, नादनपुर की प्रमुख खबर। अवैध खनन के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी संजू को नादनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस पार्टी के साथ कार्यवाही करते हुए जोरिया तराहा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के साथ कृष्ण मुरारी हेड कांस्टेबल, कल्लू सिंह, मोहन प्रकाश, घनश्याम एवं महावीर कांस्टेबल शामिल रहे।